Hello and welcome, ladies and gentlemen. Shukriya ki aap is mahan avishkar ka hissa banne ke liye yahan pe aaye. Rasta clear hai. Isse acha mauka mujhe phir nahi milega. किसी भी प्रयोग के पीछे सालों की मेहनत और जुनून की जरूरत होती है। फिर इसी जुनून का नतीजा है कि मैंने दिन रात एक करके अकेले ही इस आविष्कार को किया है। अंदर भी कोई नहीं है। आज मुझे मेरा मकसद पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। अरे कहाँ गया? यही कहीं होना चाहिए था। क्या करूं? वहां तो नहीं है। जानते हैं यह आविष्कार क्या है? यह है एक चमत्कारी दवा जिसको पीने से कोई भी गायब हो सकता है। क्या कर रहा हूं मैं? कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूं? नहीं, मुझे ये लेना ही होगा। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। इनविजिबल हो सकता है। P for power, P for Prabhakar. आपने कहानियों और फिल्मों में गायब होना देखा होगा, लेकिन ये सच आज मैं आप सबको दिखाऊंगा। महान आविष्कार की जिसके बाद दुनिया के लोग इतिहास के पन्नों में वैज्ञानिक प्रभाकर का नाम सुनहरे अक्षरों में लिख देंगे। अरे मैं तो सच में गायब हो गया। ये तो सचमुच कमाल है। ये महान कार्य तो आपको इतिहास में अमर कर देगा। ऑफ कोर्स। तो प्रभाकर, क्या ये हो सकता है कि कोई चीज इंसान को गायब कर सके? मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन। इसीलिए तो मैंने आपको डेमोंस्ट्रेशन देने के लिए यहाँ पे बुलाया है। प्रभाकर सर, हम यहाँ पे सब बेसब्र से इंतजार कर रहे हैं इस दवा का कमाल देखने के लिए। बस थोड़ी देर में मैं आपको ये कमाल दिखाऊंगा। थोड़ा और इंतजार कीजिए। तब तक मैं अपने असिस्टेंट ओमी के साथ प्रयोग की तैयारी करता हूँ। थैंक यू। सर, प्रॉपर्टी भी सारी रेडी हो चुकी है। सर मैं जल्दी से कैमरे का अरेंजमेंट करके लैब पहुंचता हूँ। ठीक है, जल्दी करना। जी सर। और हाँ ओमी, आज जिन लोगों को ये मजाक लग रहा है ना, मुझसे मिलने के लिए तरसेंगे। इधर देखना तो, आई एम द बेस्ट।
आज दुनिया देखेगी मेरे आविष्कार को. B for power and B for Prabha. अरे काशी जी, कहाँ मेरा आविष्कार? खाली, अरे किसने चुराया मेरा आविष्कार? किसने चुराया मेरा आविष्कार? My invention. अरे कौन है? कौन है? अरे ये क्या हो गया? लाइट कैसे चली गई? मुझे लगता है अब वक्त आ गया है जब आप लोगों को आपके सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे. मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे साथ लैब तक चलिए प्लीज. कितने सालों से प्रोफेसर प्रभाकर इस खोज में लगे हुए हैं? 3 साल से ज्यादा. क्या कोई इसका साइड इफेक्ट भी है? ये ना आपको डॉक्टर प्रभाकर ही बता सकते हैं. अगर कोई इंसान ये दवा पीने के बाद गायब हो सकता है तो गायब होने के बाद वापस भी आ सकता है? हाँ, डॉक्टर प्रभाकर ने ना एक एंटीडोट यानी कि इस दवा का तोड़ तैयार किया है. ये दवा आपको गायब होने के बाद वापस आने में मदद करती है. लीजिए, हम पहुँच गए हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा और अनबिलीवेबल सच का सामना करने के लिए. चलिए आइए ना. प्रभाकर सर, सर लिली, सर को किसी ने मार दिया. लिली किसने मारा? किसी ने नहीं होगी, तुमने सर का खून. लिली, सर को मैंने नहीं मारा है. नहीं, मैं सर को नहीं मारा है. तुमने ही मारा है सर को. किसी ने मारा? मनुष्य वगैरह का पता नहीं, लेकिन इंसानों की चीजें जरूर गायब होती हैं. सॉरी बॉस. बॉस जस्ट हाथ की सफाई. बॉस टैलेंट दिखा रहा था. भाई लोग के साथ रह रहा है तो अपन को मालूम है उनका इन आउट. अपन को सब मालूम है. अपना काम आपका काम एकदम सेम टू सेम है. मतलब क्या है ना, आप मुस्लिम लोग को सजा दिलाते हो. अपन का काम है उनको रास्ता दिखाना. हुआ ना सेम टू. बस बस अपुन एकदम आपकी हेल्प कर रहे हैं. गुड मैन बनेगा बॉस. बैठो. क्या बात. थैंक यू बॉस. अपुन आपके ना एकदम सॉलिड हेल्प करेगा. आपकी टेंशन एकदम दूर. आपने एकदम सॉलिड आदमी को हायर किया. मतलब आप ट्रेनिंग दोगे ना अपुन को. अपुन एकदम सुपर काम करेगा. बहुत बोलता है अपुन. बॉस केडी सर, मेरा नाम कविता है. सॉरी मैं आपसे बिना अपॉइंटमेंट लिए ही आ गई, बट बात बहुत ज्यादा अर्जेंट थी सर. जिस साइंटिस्ट का मर्डर हुआ है उसके बारे में तो आपने सुना ही होगा. एक्चुअली ओमी, जिसको साइंटिस्ट के मर्डर के लिए पकड़ा गया है, वो मेरे मंगेतर है. बढ़िया सर. ओमी बिल्कुल बेकसूर है सर. वो प्रभाकर सर का खून नहीं कर सकता सर. देखिए, समाचार वाले और अन्य व्यक्ति तो यही कह रहे हैं कि आपके जो होने वाले पति हैं ओमी, उन्होंने ही डॉक्टर प्रभाकर की हत्या की. प्रभाकर सर के एक्सपेरिमेंट के बाद ओमी उनको छोड़ने ही वाला था. उसे अमेरिका की कंपनी में एज अ रिसर्च स्कॉलर काम करने का मौका मिल रहा था सर. और कुछ ही दिनों में हमारी शादी हो जाती और हम वहाँ पे शिफ्ट हो जाते. अब आप ही बताइए सर,
जिसकी लाइफ के सारे सपने पूरे होने वाले हों, तो वो किसी का खून करके अपनी लाइफ क्यों बर्बाद करेगा सर? सर आप मेरा यकीन मानिए, ओमी किसी का खून कर ही नहीं सकता, सिर्फ आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं, प्लीज उसे बचा लीजिए सर, प्लीज। आप निश्चिंत रहिए, अगर ओमी ने कुछ नहीं किया तो उसे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। योर ऑनर, देश के जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर प्रभाकर का खून उस प्रयोगशाला में हुआ जहां वो अपने जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार करने जा रहे थे, और ये खून करने वाला कोई और नहीं, उनका अपना सहायक ओमी। ओमी मौके वारदात पर पूरे सबूत के साथ पाया गया। योर ऑनर, इस तरह की घटना ने सदियों से चली आ रही गुरु शिष्य परंपरा को कलंकित कर दिया है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आपके सामने योर ऑनर, और इसके मुताबिक इस हथियार पर ओमी की उंगलियों के निशान पाए गए। इसी हथियार से डॉक्टर प्रभाकर का खून हुआ। इसके अलावा मौका वारदात पर ओमी का अकेले पाया जाना इस बात का सबूत है कि ओमी ही असली मुजरिम है। इसलिए मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि ओमी को मुजरिम करार देते हुए कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मिस्टर सलगांवकर, इस बार आपका नाम याद है मुझे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्प्रेसिव ओपनिंग स्टेटमेंट दी है आपने। ये जो आपने दलील रखी है, विनम्र विनति करता हूँ आपसे कि इसे प्रमाणित करने का भी कष्ट करें। योर ऑनर, मैं आपसे विनती करता हूँ कि डॉक्टर प्रभाकर की असिस्टेंट लिली को कटघरे में बुलाया जाए। अनुमति। मिस लिली, हमें ये बताइए कि जब आप लैब में पहुंची, तब सबसे पहले आपने वहां क्या देखा? सबसे पहले नजर मेरी होमी पर पड़ी, इसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था। और सर, सर की लाश नीचे जमीन पर। इसके अलावा वहां और कोई था? नहीं, वहां और कोई भी नहीं था। वैसे भी लैब में एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, प्रोफेसर और ओमी दोनों एक साथ ही कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकले थे, उन्हें डेमोंस्ट्रेशन तैयार करना था। इसके अलावा कोई भी नहीं था वहां पर, इसी ने खून किया है सर का। नहीं, ये झूठ है जज साहब, ये झूठ है, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने सर को नहीं मारा। योर ऑनर, ये जो गुरु शिष्य का संबंध होता है बहुत ही भावनात्मक होता है। इतिहास साक्षी है कि शिष्य ने अपने गुरु के लिए अंगूठे से लेकर अपने जान तक का बलिदान दिया। सिलगांवकर साहब, एकलव्य की कहानी तो आपने पढ़ी होगी बचपन। योर ऑनर, ओमी प्रभाकर जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से प्रयोगशाला जाने के लिए निकला तो था, लेकिन क्या ये प्रभाकर जी के साथ प्रयोगशाला पहुंचा और उनके साथ इन्होंने प्रवेश किया प्रयोगशाला में? क्या लिली जी विश्वास से ये कह सकती हैं या ये केवल अनुमान लगा रही हैं? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको आपत्ति ना हो तो। बिल्कुल। लिली जी, क्या आपने देखा, पूरे विश्वास के साथ आप कह सकती हैं कि प्रभाकर जी के साथ ही ओमी प्रयोगशाला में गए थे? मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा था दोनों को एक साथ कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकलते हुए। ये तो मैं मानता हूँ, ये सत्य है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से, कॉन्फ्रेंस रूम से एक साथ ही निकले थे प्रभाकर जी और ओमी, लेकिन क्या एक साथ वहाँ प्रयोगशाला पहुंचे, लेबोरेटरी पहुंचे, एक साथ प्रवेश किया, क्या आपने देखा अपनी आंखों से? देखिए, मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। देखिए, अगर कॉन्फ्रेंस हॉल से दोनों एक साथ बाहर निकले थे तो जाहिर सी बात है ना कि लैब के अंदर भी दोनों एक साथ ही गए होंगे। जाहिर सी बात नहीं है, हो सकता है अलग अलग पहुंचे, आपने नहीं देखा। सलगांवकर साहब, आपके गवाह ने देखा नहीं कुछ, ये केवल अनुमान लगा रही है। अब इनके अनुमान के आधार पर मेरे मुवक्किल ओमी को आप दोषी करार देने का प्रयास कर रहे हैं, ये उचित बात नहीं है। इट्स रॉन्ग सलगांवकर। ओमी, कृपया न्यायाधीश महोदय को बताएं कि क्या आपने प्रभाकर जी के साथ प्रवेश किया था प्रयोगशाला में या कुछ आगे पीछे हुआ? नहीं, मैं वहां बाद में पहुंचा था, डेमोंस्ट्रेशन के लिए मुझे कैमरा लेके आना था, ताकि मैं
डेमोंस्ट्रेशन की पूरी रिकॉर्डिंग कर सकते। पूरी संभावना है कि जिस समय पर ये वहां नहीं थे, कैमरा लेने गए थे, उस समय में किसी तीसरे व्यक्ति ने प्रभाकर जी की हत्या की हो। क्यों मिस्टर सुल्गांव? I object your honor. पाठक साहब शायद एक अहम सबूत को नजरअंदाज कर रहे हैं। नहीं, शायद भूल रहे हैं। और वो ये कि खून के लिए इस्तेमाल किए हुए चाकू पर ओमी की ही उंगलियों के निशान थे और ये बात साबित हो चुकी है योर ऑनर। भूला नहीं सलगांवकर साहब, आप भूल गए कि मेरी याददाश्त वापस आ गई। एनीवे, मैं आ रहा था इसी मुद्दे पर, केवल आपको बोलने का एक अवसर दे रहा था। चलिए, आप नहीं बोलना चाहते तो ओमी आप बोलिए, बताइए न्यायाधीश महोदय को कि जब आप प्रयोगशाला आए, कैमरा लेकर लौटे, उसके पश्चात क्या हुआ? हमारे पास वक्त बहुत कम था, प्रोफेसर डेमोंस्ट्रेशन की तैयारी में लगे हुए थे। मैं जल्दी से कैमरा लेके लैब में पहुंचा। ये लाइट्स क्यों बंद है? लगता है सर डेमोंस्ट्रेशन की तैयारी कर रहे होंगे। सर, सर, ओए, संभालो अपने आप को। योर ऑनर, इसी कारण उस चाकू पर ओमी की उंगलियों के निशान आए। योर ऑनर, ये सब एक मनगढ़ंत कहानी बनाई जा रही है यहाँ पर। ये बात साफ है कि डॉक्टर प्रभाकर का खून ओमी ने ही किया है और मैं बार बार कह चुका हूँ कि ये बात फॉरेंसिक लैब में साबित हो चुकी है। सलगांव का उदाहरण के रूप में अगर मेरे जेब में से मेरी गाड़ी की चाबियां नीचे गिर जाए और आप मुझे चाबियां उठा कर दें, उस पर आपकी उंगलियों के निशान आ जाए और फिर मेरी गाड़ी चोरी हो जाए, तो क्या मैं अदालत में यह साबित कर सकता हूँ कि मेरी चाबियों पर आपकी उंगलियों के निशान की उपस्थिति के कारण मेरी गाड़ी चोरी हुई, आपने चुराई मेरी गाड़ी? नहीं ना। योर ऑनर, बात बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरे केसेस में भी देखा गया है कि मरते हुए को बचाने का प्रयास करने में इंसान घोपा हुआ चाकू पकड़ कर बाहर निकालता है, और इसी कारण ओमी के उंगलियों के निशान उस चाकू पर है। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है पाठक साहब, आपकी ये एक बात मान लेते हैं, चलिए। लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही नहीं और कई सबूत हैं जिससे साबित हो जाएगा कि डॉक्टर प्रभाकर का खून ओमी ने ही किया। हाँ तो करिए ना साबित। योर ऑनर, अब मैं अदालत के सामने कुछ ऐसी बातें रखना चाहूंगा जिससे साबित हो जाएगा कि इस खून के पीछे ओमी का मकसद क्या था। मिस लिली, हमने सुना है कि डॉक्टर प्रभाकर और ओमी के बीच कोई अनबन थी। जी, ओमी सर से नफरत करता था, मुझे अच्छी तरह से याद है। उस दिन हाँ, I've done it। ये देखो, तैयार हो गई वो जादुई दवा। दुनिया मेरे इस आविष्कार को सलाम करे। बी फॉर पावर, बी फॉर प्रभाकर। कांग्रेचुलेशन सर, आखिर हमने कर दिखाया। हमने नहीं, मैंने, और सिर्फ मैंने। मैं कुछ समझा नहीं सर। समझने के लिए दिमाग चाहिए, मेरे जैसा दिमाग वो तुम्हारे पास है नहीं, तो फिर समझोगे कैसे? पर सर, इस प्रोजेक्ट में मैंने आपके साथ काम किया है, इसका क्रेडिट मुझे भी मिलना चाहिए ना। क्रेडिट? कैसी क्रेडिट? अपनी औकात मत भूल, तुम मेरे सिर्फ एक असिस्टेंट हो। ये इन्वेंशन मेरा है और सिर्फ मेरा। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे? जाओ, जाकर लिली के साथ कॉन्फ्रेंस की तैयारी करो। डॉक्टर प्रभाकर, आपने ये करके अच्छा नहीं किया, इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। योर ऑनर, अब आप ही बताइए, इसके बाद इस केस में कुछ बचता है क्या? उस दिन के बाद ओमी ने डॉक्टर प्रभाकर से बदला लेने की बात मन में ठान ली। ओमी के अंदर बदले की भावना जाग उठी थी, उसने खतरनाक साजिश रची और जैसे ही मौका मिला अपना बदला पूरा कर लिया, डॉक्टर प्रभाकर का खून कर दिया।
अब बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं आप मिस्टर सलगांवकर। रोजाना हमारी कई लोगों के साथ में अनबन होती है, हमारे अंदर बदले की भावना जागती है। क्या अर्थ होता है इसका कि हम सबकी हत्या करते फिरें? ठीक बात कही आपने, लेकिन क्या आप मुझे एक सवाल का जवाब देंगे? उस दिन लैब में जब डॉक्टर प्रभाकर की लाश मिली थी, उस वक्त उस कमरे में ओमी के अलावा और कोई मौजूद था क्या? नहीं ना योर ऑनर, ना किसी ने किसी और को वहां जाते हुए देखा और ना किसी और को वहां से आते हुए देखा, और इस बात का गवाह खुद ओमी है। क्यों ओमी, मानते हो ना कि उस वक्त उस कमरे में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं था? योर ऑनर, दरअसल ये केस बिल्कुल सीधा है, लेकिन पता नहीं क्यों पाठक साहब जानबूझकर इसे घुमा रहे हैं। चलिए ठीक है, एक पल के लिए हम ये मान लेते हैं कि ये खून ओमी ने नहीं किया। तो क्या डॉक्टर प्रभाकर ने खुद अपने शरीर पर चाकू से वार किया? साइलेंस इन द कोर्ट। योर ऑनर, मैं तीसरी बार कह रहा हूं कि उस चाकू पर ओमी की उंगलियों के निशान बरामद हुए हैं और यह बात फॉरेंसिक लैब में साबित हो चुकी है। तुम सजा के लिए किसका इंतजार कर रहे हैं, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा है। पाठक साहब, मेरे ख्याल से अब तो आपको यह मान लेना चाहिए कि ये केस आप हार चुके हैं। बिल्ली मैडम, अपुन को लगता है अपुन को इस शराफत का नकाब ना उतारना ही पड़ेगा, तभी इस काले कोट वाले को पता चलेगा कि अपुन के केडी बॉस से इस तरह बात करने का नतीजा क्या होता है। अपुन की ना एकदम खिसक रही है। अपुन तो अपना मुंह बंद रख, अपुन किधर जास्ती बोला। सुनो, सब ठीक चल रहा है यहाँ पर? हाँ सर, सब ठीक है, लेकिन पर आप अपुन मेरा मतलब तुमने मुझे नहीं पहचाना, मुझे नहीं पहचाना। डेढ़ महीने से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, तुमने मुझे नहीं पहचाना। तुम्हारा बॉस कहाँ है? तुम्हारे बॉस को आज कंप्लेंट करता हूँ, तुमने मुझे कैसे नहीं पहचाना? बॉस कहाँ है तुम्हारा? सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई सर। हाँ, ऐसा नहीं करने का यार, पहचानने का। मेरा मतलब याद रखना चाहिए तुम्हें। और वैसे आज अरे बंद की क्या साहब? ड्यूटी में नहीं, ड्यूटी के बाद। कोई बात नहीं, तो ड्यूटी के बाद पी लेंगे। आज फिर कार्ड भूल गया, फिर कार्ड भूल गया। चलो लैब खोलो। तो सुनो, क्या नाम बताया तुमने? विलास। विलास, मैं देखता हूँ विलास तुम बहुत मेहनत करते हो, ऐसे बहुत थक जाते होगे, बहुत बहुत मेहनत करते हो। तो मुझे लगता है तुम्हारा ना प्रमोशन होना चाहिए, मतलब ऐसे तरक्की बहुत जरूरी है भाई जिंदगी में, है कि नहीं? हाँ? है ना? हाँ हाँ, वो तो हो जाएगी, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? कुछ भी साहब, अपन घर का गरीब है लेकिन दिल का बहुत अमीर है। तो समझे तुम्हारा काम हो गया। एक काम करते हैं, अभी मेरे सर हैं, उनसे मिलते हैं, फिर अपन मतलब अपन लोग देख लेंगे। मैंने बोला था ना आपने साहब है साहब। ये अंदर आपका स्टोर रूम जो है, वहां मुझे लगता है एक जो खिड़की का कांच है वो नया डाला गया है। नीचे फर्श पर भी कुछ टूटे हुए कांच के टुकड़े पड़े थे, कब बदला गया वो कांच? मुझे नहीं पता सर, उस दिन प्रभाकर सर के मर्डर वाले दिन ना वहां कुछ चेंज नहीं हुआ था। उस दिन सुबह कॉन्फ्रेंस की तैयारी के लिए ना सुबह स्टोर रूम से कुछ सामान निकाले थे, तभी वहाँ कुछ कांच के टुकड़े पड़े हुए भी नहीं थे, लेकिन अभी आप कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि ग्लास चेंज किया है। लगता है इस प्रयोगशाला में घटना के दिन काफी कुछ हो रहा था जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। चले अंदर चले। आइए सर, आइए।
ये जो अदृश्य होने वाली दवा बनाई थी डॉक्टर प्रभाकर ने, ये कहाँ रखी थी? सर उस जगह। इस डिब्बे में था? जिस दिन डॉक्टर प्रभाकर आविष्कार का चमत्कार करने आए थे ना, ये दवा वहीं पर थी। इसका मतलब ये हुआ कि घटना के दिन पर उमी और डॉक्टर को छोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति की भी उपस्थिति थी और उसी व्यक्ति ने यहाँ से वो दवा गायब की है। एक बात बताओ, उमी और डॉक्टर साहब के अतिरिक्त और कितने लोग आए थे उस दिन यहाँ लेबोरेटरी में? सर कई लोग आए थे लेकिन मुझे भी याद नहीं है, लेकिन पता लगा जा सकता है, हमारे पास हर एंट्री का रिकॉर्ड है सर। हाँ, वो तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगा हुआ है। सुमन, इंस्पेक्टर राठौड़ से कहना कि पता लगाए कि उस दिन कितने लोग इलेक्ट्रॉनिक लॉक को स्वाइप करके अंदर आए थे और इसकी सूची मुझे देना। देख बेटा, वो क्या है ना, अगर अपुन सीधा सीधा तेरे को बोलता ना, तू अपुन को इधर लाता ही नहीं, इसलिए अपुन ने थोड़ा झूठ बूट बोला। लेकिन अपने ने नहीं, हाँ अपुन ने कानून के लिए झूठ बोला, समझा? अपुन कुछ काम इलीगल नहीं करता, सब कुछ लीगल। और अपनी बात मान, तो अपुन कैसे मदद करेगा ना, तेरा प्रमोशन पक्का पक्का। अच्छा बॉस। हाँ चलो। योर ऑनर, आज मैं अदालत के सामने ऐसा सबूत पेश करने जा रहा हूँ जिससे ये बात साबित हो जाएगी कि डॉक्टर प्रभाकर का खून उमी नहीं किया, और इसके लिए मैं फिर एक बार लिली को कटघरे में बुलाना चाहता हूँ। क्या मिस लिली, आप मुझे ये बताइए कि लैब के मेन सेक्शन में एंट्री करने के लिए किस तरह का सिक्योरिटी सिस्टम आपकी कंपनी फॉलो करती है? एक्चुअली मेन गेट से एंट्री करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। गेट के बाहर लगी मशीन पर अगर इस कार्ड को स्वाइप करें तो दरवाजा ऑटोमेटिकली खुल जाता है। योर ऑनर, हर कार्ड का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर, पहचान का नंबर होता है। जब भी कोई व्यक्ति अपना कार्ड स्वाइप करता है तो वो नंबर कंप्यूटर की लॉग में रजिस्टर हो जाता है। अभी आपके सामने मैं जो पेपर पेश करने वाला हूँ उसमें इसी लॉग बुक एंट्रीज की डिटेल्स, डॉक्टर प्रभाकर के मौत के दिन की सारी जानकारी इसमें है। योर ऑनर, मतलब साफ है योर ऑनर, बिना कार्ड के कोई भी लैब में एंटर नहीं कर सकता। जिस समय डॉक्टर प्रभाकर की मौत हुई थी उस समय के आसपास 3 लोगों ने कार्ड स्वाइप किए थे लैब के मेन सेक्शन में एंटर करने के लिए। नंबर 1 डॉक्टर प्रभाकर, नंबर 2 ओमी और नंबर 3 लिली। इनमें से डॉक्टर प्रभाकर तो बेचारे स्वर्गवासी हो गए। लिली वहां तब पहुंची जब डॉक्टर प्रभाकर की मौत ऑलरेडी हो चुकी थी। इसका मतलब यह है जज साहब कि उस वक्त वहां सिर्फ एक ही व्यक्ति मौजूद था और वो था ओमी। मिस्टर सलगांवकर, ये आधी अधूरी जानकारी के आधार पर किसी नतीजे पर पहुंचना बहुत खतरनाक साबित होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। योर ऑनर, स्पष्ट बात है कि प्रभाकर जी के प्रवेश करने से पहले हत्या के दिन पर जिन लोगों ने प्रवेश किया था, संभव है कि उनका भी इस हत्या से कोई ना कोई टांका जुड़ा हुआ हो, कोई ना कोई कड़ी जुड़ी हुई। पाठक साहब, अब तो अपने पत्ते घोल दीजिए, कब तक मनो और चित्र कथा से हम सबका मनोरंजन करते रहेंगे? योर ऑनर, एक्सेल कंपनी जिसके अंतर्गत ये प्रयोगशाला चलाई जाती है उसी कंपनी के कर्मचारी विलास को मैं कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति। विलास जी, हमने जब उस प्रयोगशाला के बाहर की कॉरिडोर की छानबीन की थी तो हमें वहाँ क्या दिखा, कृपया न्यायाधीश महोदय को बताइए। सर, किसी ने कॉरिडोर के पास वाले स्टोर रूम की खिड़की का ग्लास चेंज किया था और वहाँ कुछ कांच के टुकड़े भी पड़े हुए थे। योर ऑनर, ये कांच का बदला जाना ये कोई आम घटना नहीं थी। योर ऑनर, हुआ ये कि आप साबित क्या करेंगे अब पाठक साहब? योर ऑनर, अगर अभियोग पक्ष महोदय बिना टोके चुपचाप सुनने का कष्ट करेंगे तो आगे बताऊं। ठीक है, चुपचाप सुन लेते हैं। योर ऑनर, मैं इंस्पेक्टर राठौर को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति। सर, हमारी इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग उस दिन लैब में स्टाफ का एक और मेंबर गया था।
जिसका नाम मोहित है, लेकिन वो उसी दिन से लापता है। सर, हमारी नेटवर्किंग उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया। योर ऑनर, मुझे पूरा विश्वास है कि मोहित इस केस की गुत्थी को सुलझाने में एक अहम कड़ी साबित होगा, इसलिए मैं अदालत से विनती करता हूँ कि मोहित को ढूंढने का समय दिया जाए और इस केस की अगली तारीख दी जाए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। लगता है पाठक साहब का कोई नया किरदार पैदा हो गया है। योर ऑनर, ये केस नहीं ड्रामा ज्यादा लग रहा है। ड्रामा करने की आदत आपको होगी मिस्टर सलगांवकर, मैं इस केस की भलाई के बारे में ही बात कर रहा हूँ। आप नहीं समझेंगे जब सब समझ गए ना सर। यह अदालत मोहित को तलाश करने के लिए पुलिस को अगली सुनवाई तक का वक्त देती है, तब तक के लिए यह अदालत मुलतवी की जाती है। केडी, हम लोग अभी तक उस मोहित के बारे में कुछ नहीं पता कर पाए, अगर हम उसको ढूंढ नहीं पाएंगे तो फिर ओमी का क्या होगा? हाँ बॉस, अपू ने ना सारा जमीन आसमान एक कर डाला, लेकिन वो मोहित का साला कुछ पता ही नहीं, पता नहीं किधर पतली गली में गायब हो गया। क्या कहा तूने? गायब हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने डॉक्टर प्रभाकर की वो चमत्कारी दवा पी ली हो और ओझल हो गया, अदृश्य हो गया? अरे माँ की जय, बॉस मिस्टर इंडिया एकदम सेम टू सेम, क्या बात है बॉस, आपका दिमाग क्या एकदम क्या चलता है, एकदम राजधानी माफे। अपुन भी होता ना उसकी जगह तो गेम बजाने के लिए यही करता। मैंने तुझे कहा था कि मोहित के फोन कॉल रिकॉर्ड्स लाना, लाया तू? बिल हाँ ना बॉस। ये एक नंबर है 9982833। डॉक्टर प्रभाकर की हत्या के बाद इसी नंबर से मोहित के फोन पर फोन आया। पता लगा ये नंबर किसका है? का है बॉस, जिधर हवा भी नहीं घुसता ना उधर अपुन घुसता है, सब की खबर रखता है। हो जाएगा बॉस। इंस्पेक्टर राठौर, क्या आप मोहित को गिरफ्तार कर पाए? I'm sorry सर, लेकिन हमारी तलाश अभी भी जारी है। योर ऑनर, मोहित के कथन के बिना इस केस में किसी नतीजे तक नहीं पहुंचा जा सकता, इसीलिए मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि इस केस की अगली तारीख दी जाए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिस्टर पाठक जी, ये क्या मजाक लगा रखा है आपने? प्रोसिक्यूटर महोदय जी, आप भी जानते हैं कि बिना सबूत और गवाह के दुनिया की कोई भी अदालत किसी भी केस निर्णय तक नहीं पहुँच सकती, इसलिए तारीख मांग रहा हूँ। जी हाँ, बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं मिस्टर पाठक। आप अदालत का समय बर्बाद कर रहे हैं। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, अब मैं आपके सामने एक ऐसा सबूत पेश करने वाला हूं जिससे हम बिना मोहित की गवाही के भी इस केस को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्लिपिंग जो अभी आपने देखी वो डॉक्टर प्रभाकर की लैब के सामने एक एटीएम लगी हुई है उस कैमरा में रिकॉर्ड हुई। इस तस्वीर में हमें लैब के पीछे की तरफ का वो हिस्सा नजर आ रहा है जहां पे वो खिड़की मौजूद है। मिस लिली, जरा ठीक से देखिए, क्या आप इस खिड़की को पहचानती हैं? जी, ये लेबोरेटरी के पीछे की साइड की खिड़की है। इमरजेंसी में आप इस खिड़की के थ्रू लेबोरेटरी से बाहर जा सकते हैं। योर ऑनर, कत्ल के दिन उस कैमरा ने एक बेहद जरूरी चीज रिकॉर्ड की थी। प्लीज सी दैट। ये ओमी है योर ऑनर,
जो कत्ल करके खिड़की के रास्ते भागने की कोशिश कर रहा था और पकड़ा गया। नहीं, ये झूठ है। मैं वहां से भाग नहीं रहा था, ये सब झूठ है। उमी उमी शांतता बनाए रखो, ये जो सच और झूठ की लड़ाई है अदालत में तो चलती रहेगी, अंत में विजय सच की होती है। ये बताओ सच सच की उस खिड़की की तरफ तुम गए क्यों थे? सर, जब मैं सर को उठाने की कोशिश कर रहा था तब मैंने एक आवाज़ सुनी। मैंने टर्न करके देखा, जो खिड़की बंद थी वो अपने आप खुलने लगी। अपने आप खुलने लगी? यस सर। जब मैं वहाँ पहुँचा तो एक पल के लिए मुझे लगा कि उस खिड़की से कोई भागने की कोशिश कर रहा है। यही देखने के लिए मैं उस खिड़की की तरफ गया था। अच्छा, तो कोई था वहाँ, कोई दिखा तुम्हें? जी नहीं सर। अद्भुत बात है, स्वयं खिड़की खुल गई और खिड़की के पास कोई था भी नहीं। अरे सलगांवकर साहब, ये जरा आप ये फुटेज चलाएंगे एक बार फिर से? हाँ देखिए सलगांवकर साहब, ओमी सच कह रहा है, वो खिड़की खुली है, उसके आसपास कोई नहीं। अब बंद हो। अब द्वितीय बार जब खिड़की खुली तब ओमी दिख रहा है खिड़की पर। अब योर ऑनर, इसका अर्थ कुछ ऐसा निकलता है कि मोहित ही वो व्यक्ति है जो प्रभाकर जी का ये अद्भुत अदृश्य कर देने वाला जो आविष्कार था उसे पीकर ओझल हो गया। अर्थ कुछ ऐसा निकलता है कि मोहित ही वो व्यक्ति है जो प्रभाकर जी का ये अद्भुत अदृश्य कर देने वाला जो आविष्कार था उसे पीकर ओझल हो गया। ऑर्डर ऑर्डर। और वो था उस समय कक्ष में और प्रभाकर जी की हत्या उसी ने की, लेकिन चूंकि वो उछल था इसी कारण ना ओमी उसे देख पाया और ना कैमरा उसे देख पाया। मोहित का अदृश्य होना, अरे वाह योर ऑनर, पाठक साहब ने हमें और एक बेबुनियाद और मनगढ़ंत कहानी सुना दी है। पाठक साहब, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पहली बार भी ओमी ने ही खिड़की खोली थी। नहीं 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 मिस्टर सलगांवकर, पहली बार खिड़की खोली होती तो ओमी दिखाई देता आपके इस फुटेज में, जैसे कि दूसरी बार जब ओमी ने खिड़की खोली तब वो दिखाई दिया, लेकिन पहली बार कोई भी दिखाई नहीं दिया आपके फुटेज में, क्योंकि मोहित जो था वो उस वो जो आविष्कार था डॉक्टर प्रभाकर जी का, वो पीकर वो ओझल हो गया। हाँ, लेकिन हो सकता है कि पहली बार उसने किसी चीज की सहायता से खिड़की खोली हो। तो जिस चीज की सहायता से खिड़की खोली थी वो चीज तो दिखाई देनी चाहिए कि नहीं? वो नहीं दिखाई दिया क्योंकि वो जो आविष्कार था प्रभाकर जी का वो बीकर। सोचिए इसके बारे में योर ऑनर, जब तक ये सोच रहे हैं आप तो समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बेनिफिट ऑफ डाउट में योर ऑनर, केस खारिज हो जाए इससे तो बेहतर है कि आप मुझे अगली तारीख दे दें। इस केस के तमाम पहलुओं पर नजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर पाठक को कुछ वक्त और देना चाहिए। अगर 3 दिन के अंदर मिस्टर पाठक और मिस्टर राठौड़ मोहित को या कोई ठोस सबूत अदालत में पेश नहीं कर सके तो यह अदालत ओमी को दोषी मानते हुए सजा सुनाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। धन्यवाद। तू आए घर से क्या कर रहा है? तू क्या कर रहा है? ढूंढने का लोकेशन, लोकेशन ढूंढने का तो अपन को बोल, नहीं ढूंढने का तो बोल, अरे टाइम वेस्ट मत कर। अरे लोकेशन मिल गया भाई। क्या बात है? नो बेटा, यही तो अपन का टैलेंट है, तू बस बोल, सब कुछ भेजे में जाएगा, तू बस बोल। A112 बंगलो नंबर 950 इंदिरा नगर हाँ दो
मस्त मस्त बस यही मांगना है यही बस अपुन को क्या लगता है ना इसमें अपुन को हीरा बनाया है ये बॉल बंगला एकदम भूत बंगला मांगे लग रहा है अपुन में बहुत डेरिंग है डरता थोड़ी अपुन बस बस छोड़ दो मुझे छोड़ दो जाने दो कौन है तुम लोग डरो मत मोहित हम तुम्हारे शुभचिंतक हैं पर मैं तो आपको जानता तक नहीं हूँ और मैंने आपके साथ किया क्या है नहीं हमारे साथ तो कुछ नहीं किया जो किया तुमने अपने साथ ही किया है डॉक्टर प्रभाकर की वो चमत्कारी दवा पीकर तुम ओझल तो हो गए अब परेशान हो मैं जानता हूँ तुम वापस अपने रूप में आना चाहते हो अगर तुम हमारी सहायता करोगे तो हम भी तुम्हारी सहायता करें अच्छा आप लोगों को सब पता है ठीक है मैं तैयार हूँ मुझे अपना शरीर वापस चाहिए सब हो जाएगा बस मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ अदालत चलो और वहाँ मेरे चंद प्रश्न का उत्तर दो अदालत कहीं आप लोगों को ये तो नहीं लग रहा है कि मैंने ही डॉक्टर प्रभाकर का खून किया है अगर तुम हत्यारे नहीं हो तो फिर तुम्हें डर कैसा कुछ नहीं होगा तुम देखिए मैंने खून नहीं किया है लेकिन अगर मैं कोर्ट में गया तो डॉक्टर प्रभाकर के खून के जुर्म में मैं फंस जाऊंगा इसलिए मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा छोड़ दीजिए मुझे जाने दीजिए मुझे देखो मोहित तुम्हारा शरीर भले ओझल हो गया लेकिन भावनाएं तो वैसी ही है ना और तुम्हारे कथन से एक निर्दोष की जान बच सकती है और तुम निर्दोष हो तो फिर भय किस बात का कुछ नहीं होगा तुम्हें समझा छोड़ू सुन बेटा चलना तो तेरे को पड़ेगा ही या तू अपुन की मर्जी से चल या अपनी मर्जी से चल अच्छे से देख अगर तू अपनी मर्जी से अच्छे से चला ना तो केड़ी बॉस है ना अपना वो देवता है देवता वो तेरा शरीर वापस लाएगा अपन बोल रहे ना एकदम सॉलिड सच्ची में ठीक है पर अपना वादा याद रखना मुझे अपना शरीर वापस चाहिए शांत रहे चलो मोहित हाँ चले चल योर ऑनर ओझल हुए लापता हुए मोहित को हमने ढूंढ निकाला है तो कहाँ है वो उसे कटघरे में पेश कीजिए
श्रवण मोहित को ले। छोड़ो मुझे, जाने दो। चल चल मिस्टर इंडिया कहीं का चल। अरे ये क्यों दिमाग के अटारे लाए? आ कीजिए शांति से खड़े हो ना। ये किस तरह का जादू कर रहा है केडी? पाठक साहब, ये अदालत के साथ किस तरह का मजाक कर रहे हैं आप? मजाक नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, अभी तो आपके सहायक के अलावा और कोई नजर नहीं आ रहा है। हाँ, वो इसलिए क्योंकि ये मोहित जो है ये अदृश्य हो गया है डॉक्टर साहब की दवा पीकर, तभी तो इसे पकड़ने में हमें इतना कष्ट हुआ। मतलब इनविजिबल मैन। वाह मिस्टर पाठक, क्या कहानी है, वाह। लेकिन मिस्टर पाठक, मैं आपको बता दूं कि ये अदालत है, यहाँ पे हकीकत बयां होती है, कहानियां नहीं। मैं भी जानता हूँ कि ये अदालत है, आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, ये न्यायाधीश महोदय हैं, मैं केडी पाठक हूँ और ये मोहित है, ये भी एक हकीकत है। अगर आपको मिस्टर पाठक का ये इनविजिबल मोहित नजर आ रहा हो तो पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से तो मिस्टर पाठक अदालत का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। केडी, ये सब क्या है? मुझे मोहित दिख क्यों नहीं रहा है? अचंभे की बात है योर ऑनर, मुझे जो साफ साफ दिखाई दे रहा है अदालत में और किसी को दिखाई नहीं दे रहा। चलिए मैं प्रमाणित कर देता हूँ। अरे श्रवण, जरा कपड़े तो पहनाओ। देखिए योर ऑनर, आ रहा है रूप। ऐसा लग रहा है कोट टांगा हुआ हैंगर में। आइए मुझ कटघरे में। योर ऑनर, यही है मोहित, वही मोहित जो डॉक्टर प्रभाकर की वो फॉर्मूला पीकर ओझल हो गया था। ये ओझल तो हो गए, लेकिन वहां से वापस कैसे लौटना है ये जानकारी इनके पास नहीं थी, तो ये कुछ यूं ही अब ऐसे ही है। मोहित, तुम तैयार हो कथन देने के लिए? योर ऑनर, गवाही तो इंसानों के लिए जाती, उनकी नहीं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं हो। इसे मैं इंसान कैसे मान लूं? मैं इंसान कैसे मान लूं मतलब क्या? अस्तित्व ही नहीं मतलब क्या सलगांवकर? ये आपकी और मेरी तरह एक जीवित मनुष्य है, आपकी और मेरी तरह समाज में इसका स्थान है, और जो सरकारी कागजात आपके और मेरे पास है वो इनके पास भी है। योर ऑनर, भले ही ये दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन ये एक जीवित मनुष्य है, ये बोल पाते हैं। अगर बोल पाते हैं तो कथन दे पाएंगे, तो आपकी अनुमति हो तो मैं कथन ले लूं। अनुमति। धन्यवाद। तो मोहित, एक्सेस कार्ड की सूची के अनुसार जिस समय प्रभाकर जी की हत्या हुई उस समय आप भी प्रयोगशाला में उपस्थित थे, सत्य है ये बात? जी हाँ। तुमने वो अदृश्य होने वाली दवा स्वयं क्यों पी ली? उसे अगर बाजार में बेचते तो करोड़ों रुपए कमा सकते थे। इंसान जिंदगी में घर एक ही बार बना पाता है, पर मेरे भाई की जुआ खेलने की लत की वजह से उसने वो घर गिरवी रख दिया था। मैं चाहकर भी इतने पैसे नहीं इकट्ठा कर पा रहा था कि घर छोड़ा सकूं। जब मैंने इस आविष्कार के बारे में सुना तो अपने और अपने परिवार के सर की छत बचाने के लिए सोचा कि क्यों न गायब होने की दवा पी लूं और गायब होकर घर के कागजात वापस ले लूं। छोटी सोच लेकिन अच्छी सोच, जितने की आवश्यकता थी उतना ही पाना चाहा। एक और प्रश्न मेरे मन में ये उठता है मोहित, कि तुमने जो अदृश्य होने वाली दवा पी ली, तुम्हें ये चिंता नहीं हुई कि तुम लौटोगे कैसे और कैसे इसका प्रतिषेधक तुम्हें मिलेगा या नहीं, या जो तुम पियोगे तो फिर दिखने लगोगे, ये चिंता नहीं हुई तुम्हें?
मुझे पता था कि ऐसी भी दवाई जरूर होगी जिसे पीकर मैं वापस आ जाऊंगा, पर कहां थी ये नहीं पता था। और प्रोफेसर की मौत के बाद मैं डर गया था। तो मतलब ये बताओ कि ये जो ओझल होने वाली दवा थी ये कब पी तुमने, प्रोफेसर साहब की मृत्यु के पहले या बाद में? हत्या होने से पहले ही। ये हुआ कि जिस समय प्रोफेसर साहब की हत्या हुई तुम उपस्थित थे वहीं? जी हाँ। तो तुमने देखा होगा कि किसने की हत्या, किस प्रकार से की, जरा विस्तार में अदालत को बताइए कि क्या क्या हुआ। उस दिन जब मैं लैब से बाहर निकलने वाला था तो मैंने प्रभाकर सर को अंदर आते हुए देखा और देखकर मैं छुपने लगा। अरे तुमने तो अदृश्य होने की दवाई पी ली थी ना, तो फिर छुप क्यों गए? घबराहट में भूल गया था कि मैं अदृश्य हूँ, इसलिए पकड़े जाने के डर से मैं छुप गया था। अच्छा तो चलिए, छिप गए तो छिप गए, तो छिप कर क्या क्या देखा आपने जरा बताइए ना। मुझे अच्छे से याद है जब मैं प्रभाकर सर को देखकर छुपा हुआ था तो मैंने देखा। किसने छुराया मेरा आविष्कार? प्रभाकर सर का गुस्सा देखकर मैं डर गया था। मैंने तो यहाँ तक सोच लिया था कि अगर उन्होंने मुझे पकड़ा तो मैं उन पर हमला कर दूंगा, इसलिए मैंने पास में पड़ा एक माइक्रोस्कोप उठा लिया था, पर उसकी नौबत नहीं आई, अचानक लाइट चली गई। अब तो केस बिल्कुल साफ है, शक की कोई गुंजाइश ही नहीं, कातिल अब एक मिनट में हमारे सामने होगा। मोहित, अगर तुम कहते हो कि तुम वहां मौजूद थे और वो भी गायब वाली स्थिति में थे तो इसका मतलब है कि तुमने तो कातिल को देखा होगा। तो भी बताओ हम सबको, किसने खून किया डॉक्टर प्रभाकर का, कौन है वो असली कातिल? नहीं, मैं नहीं बता सकता कि उसकी शक्ल कैसी थी, मैंने सिर्फ उसका हाथ देखा था। अरे? कहते हो कि जब कत्ल हुआ तब तुम वहां मौजूद थे और तुमने हत्यारे के सिर्फ हाथ देखे, शक्ल नहीं देखी, जबकि तुम चाहते तो हत्या रोक सकते थे। अरे कम से कम हत्यारे के पास जाकर उसकी शक्ल तो देख ही सकते थे। सलगांवकर, मोहित पहले कह चुका है कि प्रयोगशाला में अंधेरा था, बत्तियां बुझ गई थी और उसने केवल हत्यारे का हाथ देखा और कुछ नहीं देखा। पाठक जी, क्या मैं मोहित से कुछ सवाल पूछ सकता हूँ प्लीज? आइए, बाकी प्रश्न पूछ लीजिए, आइए। मिस्टर मोहित, ये बताइए कि आप एक्सेल लैब में कितने सालों से काम करते हैं? कुछ 6 सालों से। जाहिर है, लाइट्स के बटन कहाँ है ये तो जानते ही होंगे आप। तो मोहित, आपने लाइट्स को ऑफ क्यों रहने दिया, अंधेरे में हत्या क्यों होने दिया आपने? योना, इन सवालों के जवाब मैं आपको देता हूं। मिस्टर मोहित ने जानबूझकर लाइट्स को ऑफ रखा, और हां, इन्होंने किसी अपने घर वर के चक्कर में नहीं बल्कि अपने बड़े बड़े सपनों के लिए उस चमत्कारी दवाई की चोरी की ताकि आराम की जिंदगी जी सके। शॉर्टकट में बड़े बड़े पैसे जो कमाने थे इन्हें, क्यों मोहित, सही है ना? लेकिन यू ऑनर, इनका प्लान तब फेल हो गया जब एंटीडोट यानी जिस दवाई को पीकर इन्हें वापस अपना शरीर प्राप्त करना था वो इनके हाथ नहीं लगी। और मिस्टर मोहित, आप अपना दायां हाथ आगे करेंगे प्लीज? सॉरी, क्या हो गया आपको? आपके हाथ में दर्द है क्या? योर ऑनर, ये कैसा प्रश्न है? ये वही प्रश्न है पाठक साहब जिसका उत्तर अब जाके मुझे मिला। योर ऑनर, ये वही हाथ है जिसने उस खिड़की का कांच तोड़ा था और बाद में दूसरा कांच लगा भी दिया था। उसी टूटे खिड़की के रास्ते से मिस्टर मोहित प्रयोगशाला में दाखिल हुए थे। उस वक्त इनके दिमाग में खतरनाक साजिश चल रही थी, किसी भी कीमत पर इन्हें वो चमत्कारी दवाई हासिल करनी थी, चुरानी थी। लेकिन जब उसी वक्त डॉक्टर प्रभाकर प्रयोगशाला में पहुंचे और इसके मंसूबों पर पानी फेरना चाहा, तब इसने डॉक्टर प्रभाकर का खून कर दिया। मिस्टर पाठक, आई मस्ट से यू आर राइट, क्योंकि
मोहित के खिड़की से बाहर निकलने की बात मिस्टर पाठक ने ही सबसे पहले की थी। मोहित ही वो व्यक्ति है जो प्रभाकर जी का ये अद्भुत अदृश्य कर देने वाला जो आविष्कार था उसे पीकर ओझल हो। योर ऑनर, डॉक्टर प्रभाकर का असली कातिल कोई और नहीं, मोहित ही है। नहीं, ये झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। मैंने खून नहीं किया है, मैं तो खुद ही अपने कर्मों के चक्कर में फंसा हुआ हूं। मिस्टर सलगांवकर, ये क्या आपके कह देने से कोई भी हत्यारा हो जाएगा? आपने कह दिया मोहित हत्यारा है तो हो गया, ये अदालत है, यहाँ हर बात प्रमाणित करनी पड़ती है। हो सकता है इसके हाथों में चोट लग गई हो कहीं, इसका ये अर्थ नहीं कि उसी खिड़की पर इसे चोट लगी है। योर ऑनर, मुझे लगता है कि अभियोग पक्ष महोदय कुछ दुविधा में है। पहले इन्हें उमी हत्यारा लग रहा था, अब मोहित हत्यारा लग रहा है, संभवतः किसी तीसरे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। केडी, मोहित अदृश्य, लेकिन जिस वक्त खून हुआ उस वक्त वो वहां मौजूद था। इतने सबूत काफी हैं हमें मोहित को गिरफ्तार करने के लिए और उसे पुलिस हिरासत में भेज देने के लिए। बाकी असली कातिल तो गिरफ्तार हो ही जाएगा, तब तक के लिए ये अदालत बर्खास्त की जाती है। ए, अरे काय को रोता है रे, तू कुछ लफड़ा किया नहीं ना, तू चिल करना। अरे खेड़ी बॉस है ना, तेरे को बचाएंगे। कैसे बचाएंगे मुझे, मैंने वो शीशी चुराई थी और उसका इस्तेमाल भी किया था। वो एक चोर की बात का विश्वास नहीं करेंगे और आसानी से मुझे खूनी साबित कर देंगे, इसलिए मैं आपके साथ नहीं आना चाहता था। अब फंस गया ना, मुझे बचा लो सर, मुझे बचा लो। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? देख मोहित, जिस परिवार को तू बचाना चाहता है उस परिवार के बारे में सोच और मुझे बता, जो हाथ तूने देखा था कैसा दिखता था वो हाथ? खून के वक्त बस मैं छुपने की कोशिश कर रहा था, अचानक मेरी आंखों पर तेज रोशनी पड़ी और मैं कुछ ठीक से देख नहीं पाया। किस चीज की रोशनी पड़ी? मुझे नहीं पता, बस उसके हाथ से निकली थी। हाँ बस, अपू ने ना एक फिल्म में देखा था, वो ऐसा कोई मुंदरी पहनता है और ऐसा रोशनी गिरता मुंदरी पे, रोशनी एकदम आंख पे पड़ता है और हीरो की याददाश्त वापस आती है। बॉस, इसकी तो गई, क्या रे उल्टा। हाँ, शायद अंगूठी ही थी वो। अंगूठी? बॉस, अपू ने ना कॉन्फ्रेंस में आया हुआ हर इंसान का कुंडली निकाला तो मालूम पड़ा प्रभाकर के खिलाफ ना तीन लोग थे, ये मलाई, दिनेश और कुणाल, और इन तीनों के हाथों में वैसी ही अंगूठी है जैसा कि वर्णन मोहित ने किया। इसका अर्थ है कि इन तीन में से ही कोई हत्यारा है। योर ऑनर, आज अदालत में मैं एक ऐसा रहस्य खोलने वाला हूं जिससे इस केस की दिशा ही बदल जाएगी। डॉक्टर प्रभाकर का हत्यारा हत्या के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित था। तीन व्यक्ति थे योर ऑनर, मलय, कुणाल और दिनेश। इन तीन में से ही कोई एक हत्यारा है। सर्वप्रथम मैं मलय को कटघरे में बुलाकर उससे पूछताछ करने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति? योर ऑनर, डॉक्टर मलय स्वयं एक वरिष्ठ वैज्ञानिक है और उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित थे। सही कह रहा हूँ मैं डॉक्टर मलय? जी हाँ, मैं ही मलय हूँ। आई एम ए सीनियर साइंटिस्ट और उस दिन डॉक्टर प्रभाकर के बुलाने पर ही कॉन्फ्रेंस में गया था। ये बताइए, जिस समय डॉक्टर प्रभाकर वहाँ से अपनी लैब की ओर गए, प्रयोगशाला की ओर गए, आप उस समय कहाँ थे? जब डॉक्टर प्रभाकर कॉन्फ्रेंस से लैब की तरफ गए तो मैं भी और लोगों की तरह लैब में जाने का वेट कर रहा था वहीं पर। डॉक्टर मलय, क्या है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस था, भारी तादाद में प्रेस वाले वहां उपस्थित थे, कैमरा समेत, तो सब कुछ दर्ज हुआ है। मेरे लिए मुश्किल नहीं है प्रमाणित करना, लेकिन अगर अदालत में प्रमाणित हो गया कि आप जैसे वरिष्ठ वैज्ञानिक का झूठ बोल रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता। याद करके देखिए, हो सकता है आपकी स्मृति में कोई खोट आ रही हो। जी हाँ, दरअसल दिमाग से निकल गया, मैं कमरे से बाहर गया था। कहाँ गए थे आप? मुझे एक जरूरी फोन कॉल करनी थी इसलिए मैं बाहर गया था। योर ऑनर, इन सब बातों का मतलब क्या है? हमारे पास पहले ही काफी सबूत है कि मोहित उस वक्त लैब में मौजूद था और उसी ने डॉक्टर प्रभाकर का खून किया है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन था कौन नहीं था ये सब जानकर हमें मिलने क्या वाला है? नहीं, मिलेगा तो बहुत कुछ।
मुझे अपना कार्य तो करने दीजिए, आप निश्चिंत होकर बैठिए ना। मैंने कभी आपके कार्य में टांग अड़ाया है, आप मेरे कार्य में टांग क्यों अड़ाते रहते हैं? बैठिए। लेकिन क्या आप हमें ये बताने का कष्ट करेंगे कि डॉक्टर प्रभाकर का खून डॉक्टर मलय करेंगे क्यों? ये तो मैं बताऊंगा, अगर आपकी आज्ञा हो तो केस की गतिविधि आगे बढ़ाऊं। हाँ तो डॉक्टर मलय, अब तो न्यायाधीश महोदय के साथ साथ सलगांवकर साहब को भी तो बताना है, तो बताइए आप कि ये जो आपके चेहरे पर जले का दाग है ये कैसे आया? देखिए बताने को कुछ नहीं है, एक छोटी सी दुर्घटना की वजह से ऐसा हो गया था। चलिए आप छोटी सी कह रहे हैं तो छोटी सी होगी, इस दुर्घटना के पीछे रहस्य क्या था ये तो बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूँ, और अगर कोई भूल चूक हो जाए मुझसे तो आप टोक दीजिएगा मुझे। योर ऑनर, डॉक्टर प्रभाकर और डॉक्टर मलय ने एक ही साथ विज्ञान के क्षेत्र में काम करना प्रारंभ किया था। साथ में काम करते करते एक समय ऐसा आया योर ऑनर कि डॉक्टर प्रभाकर से एक भूल हो गई, जिसके कारण डॉक्टर मलय का चेहरा जल गया। अपने जले हुए चेहरे को ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और बार बार डॉक्टर प्रभाकर से कहते थे कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, इसका बदला एक दिन जरूर लूंगा। और केवल इतना ही नहीं, और डॉक्टर प्रभाकर की तरक्की इनसे देखी नहीं गई। डॉक्टर प्रभाकर तरक्की करते रहे और ये पीछे छूट गए। हो सकता है इसी ईर्ष्या के कारण जो धमकी इन्होंने दी थी वो धमकी भड़क उठी और इन्होंने डॉक्टर प्रभाकर की हत्या कर दी। अब तक का मेरा कथन सत्य है या नहीं? Stop it, please. मैंने प्रभाकर को नहीं मारा, मैं कमरे से जरूर भाग गया था, लेकिन प्रभाकर के पीछे लैब में नहीं। मैंने आपसे कहा ना कि मुझे एक जरूरी फोन कॉल आई थी, आप चाहे तो मेरे फोन रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। हाँ, आपके कॉल रिकॉर्ड्स हमने चेक किए और ये पाया कि आपको वास्तव में फोन कॉल आया था, लेकिन फोन कॉल आया था इसका ये अर्थ तो नहीं होता कि आपने डॉक्टर प्रभाकर की हत्या नहीं की। आप हत्यारे हैं या नहीं ये तो समय ही बताएगा। इस समय आप विराजिए, मैं जरा कुणाल से भी वार्तालाप करूं। योर ऑनर, कॉन्फ्रेंस में जिन अतिथियों को बुलाया गया था उनकी लिस्ट मेरे पास है, और यहाँ 11 नंबर पर मनोहर सत्ता समाचार पत्र के कुणाल चतुर्वेदी। स्पष्ट है कि जैसे बाकी अतिथियों को इनविटेशन कार्ड आमंत्रण पत्र भेजा गया था, आपको भी भेजा गया होगा। जी हाँ। अगर आप वहाँ खबर की तलाश में गए थे तो ऐसा क्यों कि आप ही के समाचार पत्र में जो चित्र छपा है और बाकी के समाचार पत्रों में जो चित्र छपे हैं और वहाँ उपस्थित कैमरामैन की के चित्र और चलचित्र की फुटेज देखने के बाद आप कहीं दिखाई ही नहीं दिए कॉन्फ्रेंस में, ऐसा क्यों? ये मैं कैसे बता सकता हूँ? इसका ये अर्थ होता है ना कि आप कॉन्फ्रेंस में गए तो थे लेकिन कॉन्फ्रेंस रूम में थे ही नहीं। ये सच नहीं है, मैंने वो पूरी कॉन्फ्रेंस अटेंड की है। अब अगर मैं किसी तस्वीर में नहीं दिख रहा हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? ये तो आपको उस फोटोग्राफर से पूछना चाहिए जिसने मेरी तस्वीर नहीं खींची। अच्छा, सोचने पर उतारू हो गया हूँ कि किसी भी फोटोग्राफर ने आपकी फोटो क्यों नहीं ली। चलिए कोई बात नहीं, ये पता चला है कि ये जो आइडेंटिटी कार्ड है आपका, आपकी प्यारी सी चित्र जहाँ लगी हुई है, अब मनोहर सत्ता समाचार पत्र ने ऐसा कोई आइडेंटिटी कार्ड इश्यू ही नहीं किया। ये कार्ड आपने कैसे कहाँ से बनवाया, इस कार्ड के जरिए आपने एंट्री ली लेकिन कॉन्फ्रेंस रूम में आप थे नहीं, ये क्या चक्कर है, समझाइए ना सारा सरलता। आप कहना क्या चाहते हैं? आप अपनी बेतुकी बातों से क्या साबित करना चाहते हैं? नहीं, साबित नहीं करना चाहता, आपका अस्तित्व क्या है ये जानने का प्रयास कर रहा हूँ, आपकी पहचान क्या है ये जानने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, मैं आपके इन सवालों का जवाब देना ठीक नहीं समझता हूँ, और आप तो मुझे खून के चक्कर में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर कुणाल, अदालत में पूछे गए किसी भी सवाल का आपको सीधा जवाब देना चाहिए, वरना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बिना पर आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। योर ऑनर,
लगता है इनका वार्तालाप करने का मूड नहीं है, किंतु मेरे पास कुछ और लोग हैं जो इन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं। जी हाँ, मैंने पहचानता हूँ। ये उस दिन मर्डर वाले दिन सुबह से ही प्रभाकर सर के लेबोरेटरी के आसपास घूम रहे थे। विलास जी, आपने तो ये पहले कभी नहीं कहा कि आपने लैब के पास किसी को देखा था। जी, इन्होंने कहा था कि एक रिपोर्टर है और उनके गले में आईडी भी थी, तो मुझे भी लगा कि एक मामूली बात है। नहीं विलास जी, ये मामूली बात नहीं है। हाँ, आपके लिए मामूली बात हो सकती है, लेकिन हमारे लिए नहीं। योर ऑनर, सर्वप्रथम ये क्योंकि कुणाल सुबह से प्रयोगशाला की कॉरिडोर में घूम रहे थे, वो भी नकली आईडी कार्ड के आधार पर। द्वितीय, ये 6 महीने पहले की प्रेस कटिंग्स है योर ऑनर, जिनके अनुसार कुणाल ने अपने बेटे की मृत्यु का कारण डॉक्टर प्रभाकर बताया है। भाग्यवश कुछ प्रमाणित नहीं हो पाया, इसलिए इसके लिए डॉक्टर प्रभाकर कभी गिरफ्तार नहीं हुए, मुकदमा अदालत तक पहुंचा ही नहीं। और इन सब बातों को देखते हुए हत्या का मकसद साफ होता है। हो सकता है कुणाल प्रतिशोध की आग में जल रहे थे और अपनी संतान की मृत्यु का बदला लेने के लिए इन्होंने डॉक्टर प्रभाकर की हत्या की। ये झूठ है, मैंने उन्हें नहीं मारा, ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना डर क्यों रहे हैं आप? ये अदालत है और यहाँ हर बात की पुष्टि करने के बाद ही निर्णय लिया जाता है। बैठ जाइए आप। योर ऑनर, अब मैं अदालत का ध्यान यहाँ रखे हुए एक अहम सबूत की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। ये क्या है? सर, ये चाकू है। विलास जी, चाकू है ये तो मुझे भी दिख रहा है, न्यायाधीश महोदय को भी। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये चाकू क्या देखा है आपने कभी पहले? इसका उपयोग किया जाता था प्रयोगशाला में? देखा है इसे आपने कभी पहले? नहीं सर, मैं इस चाकू को नहीं जानता हूँ और लैब में भी इस तरह का चाकू इस्तेमाल नहीं होता है। इसका अर्थ ये होता है योर ऑनर कि ये चाकू हत्यारा अपने साथ लेकर आया था केवल और केवल डॉक्टर प्रभाकर की हत्या करने के लिए। योर ऑनर, इस समय मैं अपने तीसरे संदिग्ध दिनेश को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति। दिनेश जी, आप प्रयोगशाला के रिसर्च हेड हैं, तो स्पष्ट है कि वहाँ जितने वैज्ञानिक हैं और उच्च कोटि के लोग हैं उनके साथ संपर्क रखना आपके लिए आवश्यक होता होगा। और इस ये जो प्रयोग डॉक्टर प्रभाकर कर रहे थे, इसको लेकर आप अधिक उत्साहित रहे होंगे। ये एक्सपेरिमेंट हम सबके लिए बड़े गर्व की बात थी। तो जब आपने सुना कि डॉक्टर प्रभाकर की हत्या हो गई, तब क्या बीती आप पर, क्या महसूस किया आपने? ऑब्वियसली झटका लगा, बहुत बुरा झटका लगा। आई वॉज शॉक्ड, और कैसे महसूस कर सकता हूँ। आपको बहुत बुरा झटका लगा, यू वर शॉक्ड। लेकिन यहाँ कोई है दिनेश जी जो आपके इस कथन से सहमत नहीं है? योर ऑनर, मैं मोहित से चंद प्रश्न करना चाहूंगा। मोहित, जब तुमने वो दवा पी और अदृश्य हो गए, उसके पश्चात जब तुम प्रयोगशाला से बाहर निकले, उसके बाद क्या किया तुमने? सर, मुझे पता ही नहीं था कि वहाँ प्रोफेसर की मौत हो जाएगी। मैं स्टोर रूम की खिड़की तोड़कर अंदर गया था। वैसे तो कोई वहाँ जाता नहीं था, पर मुझे डर था कि इस मौत के बाद छानबीन के दौरान वो टूटी हुई खिड़की लोगों की नज़र में आ जाएगी। उस वक्त मुझे और कुछ नहीं सूझा, तो मैं वापस उसी खिड़की से अंदर गया और स्टोर रूम में रखे कांच से उस खिड़की के टूटे हुए कांच को बदल दिया। तो जब तुम वापस अंदर लौट कर गए, तो क्या कुछ देखा तुमने, कुछ सुना? जी, जब मैं स्टोर रूम में कांच ढूंढ रहा था, तब मैंने बाहर हॉल में आवाजें सुनी और बाहर देखा तो मैंने वहां दिनेश को देखा। ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैं बताने ही वाला था, पर वकील साहब ने दूसरा सवाल पूछ लिया और फिर उन्होंने मुझे अपने सवालों के जाल में ऐसा उलझाया कि मैं बताना ही भूल गया। अच्छा, Your Honor, point to be noted, prosecution ने इन पर दबाव डाला कि कुछ बातें अदालत में ना बताएं। दिनेश के बारे में और क्या क्या जानते हो? बिना मुझसे पूछे कैसे आ गए? कोई भी हम पर शक कर सकता है। तुम्हें यहाँ आते किसी ने देखा तो नहीं?
अपना मुंह बंद रखो। हाँ तो दिनेश, अब बाकी की कथा आप सुनाएंगे या आप पर दबाव डालो? ये सब मेरे खिलाफ साजिश है। मुझे पता है मुझे फंसाने में मोहित कहा थे। उस दिन मैं ना किसी से मिला था और ना ही मुझे उस घटना के बारे में कुछ पता है। जज साहब, ये सब मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोहित झूठ बोल रहे हैं और आप सच बोल रहे हैं? पाठक साहब जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि मोहित जैसे मुजरिम पर आप इतना भरोसा क्यों कर रहे हैं? अब देखिए सलगांवकर साहब, अपना अपना दृष्टिकोण है। ये आवश्यक तो नहीं कि किसी व्यक्ति को कोई बात उचित लगे तो दूसरे व्यक्ति को भी लगनी चाहिए। मुझे मोहित पर विश्वास है तो है, क्या कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन क्या मैं मिस्टर मोहित से कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, आप चाहे जिससे सवाल पूछ सकते हैं, पूछिए। मोहित, क्या यह सच है कि कुछ महीनों पहले तुम्हें प्रयोगशाला से बर्खास्त कर दिया गया था? क्या हो गया भाई, हकला क्यों रहे हो? घबराने की क्या जरूरत है, ऐसे तो गुनहगार हकलाते हैं। अरे नौकरी में ऐसी छोटी मोटी चीजें होती रहती है, ऊपर नीचे होता है, समय कहाँ एक जैसा होता है। लेकिन क्या तुम ये बताओगे कि उसकी वजह क्या थी? मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए मैंने ऑफिस से कुछ चीजें चुराने की कोशिश की थी। इस वजह से कुछ दिनों के लिए मुझे ऑफिस से निकाल दिया गया। अरे चोरी तो पाप है, अपराध है, क्यों पड़ गया है ना? अच्छा ये बताओ कि वो कौन था जिसने तुम्हें निकाला था? मिस्टर दिनेश। अच्छा अच्छा अच्छा, अब समझ में आया। मतलब योर ऑनर, इसीलिए तो मोहित ने दिनेश जी के खिलाफ ही दिलचस्प कहानी बनाई। इसका मतलब ये है कि दिनेश जी बिल्कुल सच कह रहे हैं कि ना तो ये उस वक्त वहां मौजूद थे और ना ही इन्होंने डॉक्टर प्रभाकर का खून किया। और वैसे भी योर ऑनर, जो इंसान चोरी करता हो, जिसे चोरी की आदत हो, उसके लिए चोरी और हत्या में बहुत ज्यादा फर्क तो है नहीं। योर ऑनर, मैं प्रोसिक्यूटर साहब के इस कथन से सहमत नहीं हूँ। हर अपराध की एक परिभाषा होती है, परिस्थिति और अपराधी के मानसिक स्थिति के आधार पर हर अपराध की एक पृष्ठभूमि बनती है। अब मोहित हमें पहले ही बता चुके थे अपने कथन में कि ये अपना घर छुड़ाना चाहते थे, जिसके लिए इन्हें रुपयों की आवश्यकता थी, इसीलिए ये चोरी करने वहां गए थे। योर ऑनर, ये कतई आवश्यक नहीं कि एक चोर हत्यारा भी। और वहां दूसरी ओर हमने ये भी देखा है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में कभी चींटी तक नहीं मारी, वो भी हत्या करने पर उतारू हो जाता और हत्या कर देता है। इस समय पर योर ऑनर, मुझे इंस्पेक्टर राठौर को कटघरे में बुलाने की अनुमति दी जाए। राठौर साहब, कृपया अदालत को बताइए कि दिनेश जी की कैबिन के छानबीन में आपको वहां से क्या प्राप्त हुआ? सर, ये शीशी हमें उनकी टेबल के नीचे मिली। योर ऑनर, मैं आग्रह करूंगा दिनेश जी को कटघरे में आए और हमें शीशी के बारे में बताए। इस शीशी में बंद पदार्थ के बारे में कुछ बताइए ना। जी नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मुझे तो ये तक नहीं पता कि मेरे टेबल के नीचे कैसे पहुंची। अच्छा, आपको नहीं पता, संभवतः ओमी को पता। बताइए कि ये जो शीशी है, इसके अंदर क्या है? ये शीशी आपको कहां से मिली? ये तो भाई शीशी है, इसमें फॉर्मूला है। वही शीशी है जिसमें फॉर्मूला है, मतलब इसमें वही दवा है जिसे पीने से व्यक्ति अदृश्य हो जाता है? जी नहीं, ये दूसरा फॉर्मूला है, इससे इंसान अदृश्य नहीं हो सकता। इस फॉर्मूले को प्रोफेसर ने इस एक्सपेरिमेंट के दौरान बनाया था। इसकी प्रॉपर्टीज अलग थी, इसलिए प्रोफेसर ने इसे अलग रखा ताकि इसके ऊपर बाद में एक्सपेरिमेंट कर सके। योर ऑनर, इस समय पर मैं अदालत का ध्यान इस विषय पर आकर्षित करना चाहूँगा। उस दिन मोहित ने जब अदृश्य होने की दवा पी, उसके बाद से बाकी की जो शीशियां वहां थी, ऐसी शीशियां वो लापता हो गई थी प्रयोगशाला से। उन्हीं शीशियों में से एक ये है। योर ऑनर, उन शीशियों में से एक शीशी में अदृश्य से लौट आने की दवा थी, एंटीडोट था। योर ऑनर,
और इस शीशी को एंटीडोट समझकर दिनेश जी ने ये अपने पास रख ली थी। इस बात का साक्षी ओमी है योर ऑनर। ओमी, न्यायाधीश महोदय को बताइए आपने क्या देखा था। जी, उस दिन एक दवा को पीते ही आप गायब हो जाएंगे और दूसरी दवा को पीते ही आप वापस अपने वास्तविक रूप में आ जाएंगे। ओमी, तुमने सुना होगा शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ काट दिए थे ताकि वो दोबारा ताजमहल न बना सके। मैं भी अपने हाथ काट डालूंगा सर, इसको हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगा। सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप इस आविष्कार के लिए पागल थे? हाँ, मैं सिर्फ दुनिया को विज्ञान की शक्ति बताना चाहता था और अब वो एक डेमोंस्ट्रेशन देते ही मैं ये साबित कर दूंगा कि मैं जो कहता हूं वो करता हूं, फिर मुझे इससे कोई मतलब नहीं। सर, क्या कर रहे हैं सर आप? प्रोफेसर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। प्रोफेसर, क्या मैं कितने पैसे कमा के दे सकती थी? मुझे नहीं चाहिए पैसे। तुम एक पागलपन की वैज्ञानिक हो। ये तुम्हारे हाथ कभी नहीं लग सकती। योर ऑनर, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी निजी लाभ के लिए, रुपयों के लोभ के लिए फॉर्मूला प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति के लिए किसी की हत्या कर देना बड़ी बात नहीं है। साइलेंस इन द कोर्ट। उस दिन जब डॉक्टर प्रभाकर ने अपने आविष्कार के कागजात जला दिए, तो सबसे अधिक दुख अगर किसी को हुआ था तो दिनेश जी को। वो किसी भी हाल में वो दो शीशियां जो प्रदर्शन के लिए रखी गई थी उन्हें प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे, इसीलिए योजना बनाकर उन्होंने डॉक्टर प्रभाकर की हत्या की। नहीं, मैं पहले ही कह चुका हूं मैं निर्दोष हूं। इस खून से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। मैंने डॉक्टर प्रभाकर का खून नहीं किया है, ये झूठ बोल रहा है अपनी जान बचाने के लिए। ये भी मोहित के साथ शामिल है। कितना झूठ बोलेंगे दिनेश जी? याद रखिए, आपने जो जुर्म किया है उसका दंड आपको अवश्य मिलेगा। एक मिनट पाठक साहब, क्या आप ये बताएंगे कि किस बिना पर आप इन्हें दंड दिलवाएंगे? क्योंकि इस शीशी में तो एंटीडोट है ही नहीं, बल्कि इस शीशी में जो भी है इसका इस केस से कोई संबंध ही नहीं है। योर ऑनर, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि डॉक्टर प्रभाकर की मृत्यु के बाद ये शीशी किसी ने दिनेश जी की केबिन में ला के रख दी हो, ये सोचकर कि इसमें कोई आवश्यक पदार्थ है। कमाल है पाठक साहब, आप एक शरीफ इंसान पर यूं बेबुनियाद इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? आज की कार्रवाई का फैसला रिसेस के बाद सुनाया जाएगा। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। सॉरी सर, लेकिन मोहित हमारी हिरासत से भाग गया सर, मतलब गायब हो गया सर। ऑर्डर ऑर्डर योर ऑनर, मुझे आप ये बताएं कि वो था ही कब? मतलब गायब आदमी हिरासत में कैसे हो सकता है? ये तो अच्छा हो गया, इसी बहाने ये तो पता चल गया कि असली मुजरिम है कौन। योर ऑनर, मैं जानता हूं कि मोहित क्यों भागा, क्योंकि मोहित जानता है कि असल हत्यारा कौन है। वो ये भी जानता है कि असल हत्यारे के पास उसके अदृश्य होने का एंटीडोट है योर ऑनर, जिसके जरिए वो वापस लौट कर आ सकता है। अब मुझे लगता है कि जब तक वो असल हत्यारे को ढूंढ नहीं लेता, उसके पास से वो एंटीडोट निकाल नहीं लेता, वो लौट कर आने वाला नहीं है योर ऑनर, क्योंकि वो अदालत में साबित करना चाहता है कि वो निर्दोष है। योर ऑनर, ऐसे करने में वो जो भी असल हत्यारा है उसे भारी निजी नुकसान पहुंचा सकता है योर ऑनर। इसलिए मैं तो कहूंगा कि हत्यारा जो भी है आगाह हो जाए, बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। मिस्टर राठौड़, आप मोहित को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कीजिए। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। नहीं, ये मेरा वहम है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं कर सकता मुझे। नहीं, नहीं। कौन है वहां?
करता नहीं किसी से। सामने आओ। अरे सब के बाहर क्या करते हो? हिम्मत है तो सामने आओ। मैं जानता हूं तुम कौन हो। मोहित, मोहित हो ना? तुम यहां से बच के नहीं जाओ। एक खून तो तुम कर ही चुके हो, डॉक्टर प्रभाकर का खून याद आया? मैंने कोई खून नहीं किया। अब भी समय है। नहीं, कबूल कर ले अपना गुनाह। मैं करूंगा साबित अभी और इसी समय। बोलो, तुमने ही डॉक्टर प्रभाकर की हत्या की है? नहीं, तुम ही उस दिन लैब में आए थे। कोई साबित नहीं कर सकता कि वो खून मैंने किया। कबूल कर ले अपना गुनाह। नहीं, तुमने ही वो एंटीडोट भी चुराया है। वो तुम ही हो, मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। नहीं, नहीं। मैंने तुम्हें देखा था, तुम्हारे इस खूनी हाथ को, इस अंगूठी को भी। लैब की धीमी रोशनी में बहुत चमक रही थी, बिल्कुल इसी तरह। याद करो, ऐसा ही अंधेरा था ना वहां जब तुम प्रभाकर सर का खून कर रहे थे। तुम खूनी हो, खूनी। खून तुमने किया है, प्रभाकर सर का खून तुमने किया है। उसने मुझसे मेरा इकलौता बच्चा छीन लिया अपने एक प्रयोग के लिए, उसकी बलि चढ़ा दी अपने आविष्कार को सफल करने के लिए। उसे तो मरना ही था, और इसलिए उस दिन जब वो अपना सबसे बड़ा आविष्कार दुनिया के सामने ला रहा था, मैंने इन्हीं हाथों से चाकू से मार के उसकी जान ले ली। मरना तो तुझे भी पड़ेगा। बचपन में वो कहानी सुनी है, एक जादूगर की जान तोते में कैद होती थी, तेरी जान इस शीशी में कैद है, और मेरे लिए तो अब ये बेकार। मैं तो डॉक्टर के लैब में उस चमत्कारी दवा को चोरी करने गया था, और मुझे लग रहा था कि वो मेरे पास है, लेकिन उसने अदालत में पता चला कि वो तो एक एंटीडॉट है। माल तो तूने उड़ा लिया। अब मैं इसे बर्बाद कर दूंगा, और तू कभी अपने असली रूप में नहीं आ पाएगा। सारी उम्र गायब ही रहेगा, मुझे कभी तेरा शरीर नहीं मिलेगा, कभी नहीं। ये ले। नहीं। Just in the nick of time. अबे गधे, 500 से भी ज्यादा फिल्मों में बोला गया है ये डायलॉग कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, अब तक नहीं समझा तू? अरे मोहित, चाकू नीचे कर लो यार। आ गए तुम सब यहाँ? हाँ, हम सब यहाँ सत्य जानने आए हैं। मोहित को मैंने ही भगाया था वहां अदालत से। क्षमा करना जज साहब, सत्य तक पहुंचने के लिए करना पड़ा मुझे। और उस समय अदालत में मैंने जब कहा था कि मोहित फरार हो गया है और किसी को निजी नुकसान पहुंचाएगा, बड़ा भारी नुकसान पहुंचाएगा, मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम तीनों में से किस पर ज्यादा असर पड़ता है, और असर पड़ा आप पर। कुणाल साहब, आप तो पसीने पसीने हो गए थे, तभी मुझे संदेह हो गया था कि षड्यंत्र के पीछे आप ही हैं। और आपने अभी अभी जो राम कहानी सुनाई वो हम सबने सुना, न्यायाधीश महोदय ने भी सुना। राठौर साहब के होते हुए कोई मुजरिम भाग ही नहीं सकता। अब देखो, बचने का कोई और तरीका तो है नहीं। हो सकता है कि अगर पूरी कहानी तुम बता दो तो जो दंड तुम्हें मिलने वाला है वो थोड़ा कम हो जाए। बताओ बताओ, कहानी बताओ, चलो। योर ऑनर, कॉन्फ्रेंस वाले दिन जैसे ही डॉक्टर प्रभाकर लैब में गए, मैं भी चुपके से उनके पीछे घुस गया। लैब का दरवाजा बंद होकर लॉक होने में 10 सेकंड का समय लेता है, ये बात मुझे अच्छे से पता थी। उस दिन आसपास रह के मैंने इन सब बातों पर नजर रखे थे। हत्या को अंजाम देने के लिए पहले मैंने लाइट्स ऑफ कर दी, और उसके बाद कुछ ही देर में मेरा चाकू डॉक्टर के सीने में था, और मैंने वो शीशी टेबल से उठाई, और ये सोचकर कि उसी में वो चमत्कारी दवा है, वहां से निकल गया। और जब लीली भीड़ के साथ वहां आई, मैं चुपके से
भीड़ में शामिल हो गया। अदालत साहब, ये कहानी तो आप सुन चुके हैं, अब दंड देना तो आपके हाथ में। कभी कभी सत्य प्रमाण से परे होता है, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी केडी ने सत्य को शंकाओं की गर्त से खोद कर निकाल लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस केडी, ये साबित हो गया है कि नाल ही डॉक्टर प्रभाकर का असली कातिल है, इसलिए इन पर कार्रवाई की जाएगी और मोहित और ओमी को बाइज्जत बरी किया जाता है। सर, मेरी एक चीज आपके पास रह गई है। अरे सॉरी मोहित, भूल ही गया था, जाओ पिला दो। हाँ। एक मिनट मोहित, उससे पहले कुछ कपड़े तो पहन लो।